जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी बेटा अनिल पटेल शराब पीने का आदी था और शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। लोक अभियोजक राजेश पांडे ने बताया कि डभरा खुर्द गाँव में 15 अक्टूबर 2023 को अवधमती के घर से चीखने की आवाज सुनाई दी। फिर पड़ोसी अवधमती के घर पहुंचे तो देखा कि उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी और उसका बेटा अनिल पटेल घर से भागते हुए दिखा। मामले में पुलिस ने जांच की और जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज किया था। फिर आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शराब पीने के लिए रुपए नहीं मिलने पर मां की हत्या का खुलासा हुआ था। मामले में आरोपी बेटे अनिल पटेल को बिर्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मामला न्यायालय में चल रहा था। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना बिर्रा के अपराध क्रमांक 103/23 में आरोपी अनिल पटेल को उसकी मां की हाथ मुक्के से मारपीट कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक संगाराम के द्वारा विवेचना उपरांत चलान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में मेरे द्वारा मात्र 6 साक्षियों का कथन कराया गया है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। हत्या के पीछे एक वजह विवेचना में यह है और ट्रायल के दौरान कि आरोपी शराबी प्रवृत्ति के व्यक्ति था और शराब पीने के लिए माँ से पैसा मांगने पर नहीं देने के कारण उससे मारपीट किया गया था।